नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबर नक्सल। दोस्तों, अगर कोई आपके वजूद को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, अगर कोई कहता है कि मैं खेल कर, पॉलिटिक्स करके, षड्यंत्र करके आपको बेघर कर दूंगा, तो आप क्या करोगे? अगर वो कहता है कि मैं ऐसी एक लीला रचाऊंगा कि आप बेघर हो जाओगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, वो राक्षस है। सवाल ये है आप कौन हो, सवाल ये है आप क्या कर सकते हो, सवाल ये है आप कितना लड़ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं आज। तौर तरीकों के बारे में नहीं समझा रहा हूं, लेकिन आपके अंदर कितना अग्रेशन होना चाहिए, आपको किस नजरिए से एक चीज को देखना चाहिए, मैं उस नजरिए के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे शहर में बार बार कहता हूं, हजारों लाखों फैमिलीज ऐसे हैं जो रीडेवलपमेंट से बेघर हुए हैं। रीडेवलपमेंट ने उनको बेघर कर दिया है। उनका घर था, किसी का 20 लाख का घर था, किसी का 50 लाख का घर था, किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ का घर था। बिल्डर ने ले लिया, तोड़ दिया और ये लोग बेघर घूम रहे हैं। कोई 5 साल से घूम रहे हैं, कोई 15 साल से घूम रहे हैं, कोई 25 साल से घूम रहे हैं। किसी ने दम तोड़ दिया है, निराश होकर कहीं अपने गांव चले गए हैं। कोई अभी भी भूतों की तरह, भूत प्रेत की तरह घूमते हैं रास्ते पर। अरे, हमारा घर यहां पर है, ये जमीन है, जमीन को कि यहां पे कभी हमारा घर हुआ करता था। इस तरह से भूत प्रेत पिशाच की तरह वो घूमते हैं बेचारे। यानी जो लोग मर जाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो कैसे घूमते होंगे, उस तरह से ये लोग घूमते हैं। और कोई किसी से उम्मीद रखता है, कोई कहीं से और उम्मीद रखता है। कोई कहता है कि ये कोई मुझे कंज्यूमर कोर्ट न्याय दिलाएगा, कोई कहता है रेरा न्याय दिलाएगा, कोई कहता है मंत्रालय में मंत्री लोग न्याय दिलाएंगे, कोई जाके एमएलए या एमपी का पांव पकड़ता है, कोई जाके गुरु के सामने माथा टेकता है, कोई अपना पंचांग पढ़ता है कि कब मेरा राहु काल खत्म होगा या कब मेरा 7.5 खत्म होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उनके लिए एक कंटिन्यूइंग मिजरी है रीडेवलपमेंट। अब ये परिस्थिति कैसे आता है? तो परिस्थिति ऐसे आता है दोस्तों कि रीडेवलपमेंट में अंधविश्वास है लोगों को। सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी इसको तो बहुत ही अंधविश्वास होता है और जनरल बॉडी भी अंधविश्वास से प्रोसीड करते हैं। बिल्डर की काबिलियत हो न हो, उसके हाथ में सौंप देते हैं। तो जिस इंसान के हाथ में काबिलियत नहीं है या जिसका इरादा सही नहीं है या जिसके तौर तरीके हमको समझ में नहीं आता है, उसके हाथ में हम अपनी जीवन की पूंजी अगर दे देंगे, यानी घर फॉर मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज एक लाइफ सेविंग है। अब वो लाइफ सेविंग के उठा के उनको दे देते हैं क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो 10%, 20%, 25% बड़ा घर देगा, नया घर हो जाएगा, वगैरह वगैरह, लाइफ उसमें आसानी से कट जाएगी। इस तरह से, इस मान्यता से उन्होंने घर दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से खेल रहा है, वो कौन सा षड्यंत्र रचा रहा है, वो कौन सा चक्रव्यूह रचा रहा है जिसके अंदर आप लोग फंस रहे हो। अब इस चक्रव्यूह में से निकलना हो तो कैसे? क्योंकि कुछ लोग रीडेवलपमेंट में जाने से पहले, कुछ लोग रेजिस्ट करते हैं, बहुत रेजिस्ट करते हैं, लेकिन रेजिस्ट यानी कि रोकना कैसे समझ में नहीं आता है। कोई उनको एडवाइस भी देते हैं कि जाओ कोर्ट में जाओ, इधर कोर्ट में जाओ, उधर कोर्ट में जाओ, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी कह दिया है, मेरी राय यह है कि सभी कोर्ट्स, कोई सब भी कोर्ट, या चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, कोऑपरेटिव हो, कंज्यूमर हो, रेरा हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट रीडेवलपमेंट के विक्टिम को नहीं बचा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर फिलॉसफी ले लिया है, वो उसी फिलॉसफी से चलते, मेजोरिटेरियन फिलॉसफी, और ज्यादातर जो कायदे कानून है वो इस सिचुएशन में लागू होते ही नहीं है, कॉपरेटिव कोर्ट सिचुएशन में लागू होता नहीं है, क्योंकि ये कॉपरेटिव मामला नहीं है, सोसाइटी और बिल्डर के बीच का जो रिश्ता है वो कॉपरेटिव का मामला है नहीं। कंज्यूमर मामला नहीं है, क्योंकि आप कंज्यूमर्स नहीं हो। अगर आपके सोसाइटी ने रीडेवलपर को अपॉइंट किया है तो आपकी सोसाइटी रीडेवलपर का पार्टनर है, रेरा में भी वो पार्टनर गिना जाता है, को प्रमोटर गिने जाते हैं, तो उनको अलॉटी नहीं गिनते हैं, इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा रेरा से। हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट बोलेगा मेजोरिटी क्या कहता है, मेजोरिटी मतलब जनरल बॉडी, जनरल बॉडी में उन्होंने पास करवा लिया। कैसे पास करवाया हम जानते हैं, कैसे पास करवाया, हम ऐसे पास करवाया कि जनरल बॉडी वाले सोचते नहीं है, तो परिणाम क्या, हाईकोर्ट कहता है मेजोरिटीज्म, मेजोरिटीज्म एक फिलॉसफी है हाईकोर्ट का इस मामले में खास करके। अच्छा, रीडेवलपमेंट उन्होंने पास किया, जनरल बॉडी में पास किया, चलो हो गया, चलो गेट आउट। सर लेकिन बिल्डर क्या है, कौन है, उसने उल्लू बनाया, उल्लू किसको बनाया, मैनेजिंग कमेटी को बनाया, जाओ मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट लड़ो। अरे मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट लड़ेंगे कैसे, कैसे लड़ेंगे, कॉपरेटिव कोर्ट हमको एंटरटेन नहीं कर रहे। मतलब इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसको मैंने कहा लेजिस्लेटिव वैक्यूम। अब लड़ना कैसे, सवाल ये है, मैंने सबको निराश कर डाला, मैंने कह दिया कोर्ट में नहीं लड़ सकते हो, तो लड़ना कैसे, लड़ना कैसे, कैसे लड़ोगे, उसका जवाब है ओके। उसका जवाब यह है दोस्तों कि आपका जो फाइट है वो जुडिशियल नहीं है, आपका जो फाइट है आप अगर उसको रेजिस्ट कर रहे हो, रीडेवलपमेंट को रेजिस्ट कर रहे हो, तो आपका फाइट जुडिशियल नहीं है, पॉलिटिकल है, आपका फाइट पॉलिटिकल है, आपको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। अब आप कहोगे अरे यार पॉलिटिक्स एक गंदा शब्द है, या फिर आप कहोगे पॉलिटिक्स मतलब हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन हो जाएं क्या, या बीजेपी ज्वाइन हो जाएं? नहीं, पॉलिटिक्स के कई सारे मतलब होते हैं। पॉलिटिक्स का यह मतलब होता है, मेन मतलब होता है कि लोगों के मन को प्रभावित करना, लोगों के मन को प्रभावित करना अपने तरफ, लोगों के दिल को प्रभावित करना अपने तरफ, अपनी बात की सच्चाई को सामने रखना लोगों के तरफ, लोगों के सामने, लोगों के दिल में अपने दिल की सच्चाई को, अपनी बात की सच्चाई को उतार देना। हम कह रहे हैं, यानी जो लोग रीडेवलप अपने सोसाइटी को के रीडेवलपमेंट को अपोज करते हैं, वो कहते हैं हम खतरे में हैं, और वो खतरे में हैं, दरअसल वो खतरे में, बहुत खतरे में हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि खतरा सामने दिखता नहीं है, और खतरा उनको बिल्डर के समूह पे तो दिखता नहीं है, बिल्डर बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है, प्यार से बात कर रहा है, कायदे कानून की भाषा में बात कर रहा है, मैनेजिंग कमेटी वाले ये तो अपने हैं, ये तो हमारे लीडर्स हैं, और एक फिलॉसफी है जनरल बॉडी की, नहीं नहीं देखो इनके भी तो घर जाएंगे, अगर हमारे घर जाएंगे तो इनके भी तो घर जाने वाले हैं ना, हमारा नुकसान होगा तो इनका भी नुकसान होगा ना, तो हमको मैनेजिंग कमेटी पे भरोसा करना चाहिए। और दूसरी बात, सवाल ये है, अरे साहब अगर हम बिल्डिंग का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे तो ये बिल्डिंग टूट के गिर जाएगा, पुराना हो गया है, ये टूट के गिरेगा तो सबका नुकसान हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, फिर किसका, किसके ऊपर ब्लेम आएगा, हम लोगों के पे ब्लेम आएगा जिन्होंने अपोज किया था रीडेवलपमेंट को, इसलिए अपोज मत करो। तो ये सारे टाइप की दलीलें आती है, और बिल्डर का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, उसकी काबिलियत है या नहीं, वो सही बंदा है या नहीं, या वो सही कंपनी है या नहीं, या उनका इरादा सही है या नहीं, या उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है नहीं, ये सब कोई देखता ही नहीं है। और अगर देखना चाहो तो कहेंगे अरे साहब आप बिल्डर को कैसे आंक सकते हो, वो बहुत गहरा है, उसके पास बहुत सारे कनेक्शंस है, बिजनेस कनेक्शंस है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे लेके आएगा, वो कैसे पैसे लेके आता है, हम कैसे उसके पेट में झांक सकते हैं, तो हम किसी के पेट में कैसे झांक सकते हैं। बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा ये रहता है, कहावत रहता है
कि नहीं नहीं हम किसी के पेट में झांक नहीं सकते, वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं 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 हमको फेस वैल्यू पे ले लेना चाहिए। बहुत बड़े साहब हैं ये संघवी साहब, या जो भी उसका नाम संघवी हो या जो भी हो, बहुत बड़े हैं साहब है, बहुत बड़े हैं, आप समझते नहीं हो, ये टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और सबकी बोलती बंद। पीएमसी कुछ नहीं है तो पीएमसी आ जाएगा, बोलेगा देखो भाई मैं एक्सपर्ट हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इस फील्ड में विशेषज्ञ हूं और मैं कह रहा हूं कि ये सही है। यानी अगर डॉक्टर कह रहा है तो आपको मान लेना चाहिए, इस तरह से ये और एक आर्ग्यूमेंट है। तो ये सभी आर्ग्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन ये होता है। और तो और एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है, देखो अगर मैनेजिंग कमेटी ने तय कर लिया है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तय करने का नहीं, तो तय करने का कौन सा रास्ता है? मैनेजिंग कमेटी, हमारी सोसाइटी डेमोक्रेसी है, तो हमारी सोसाइटी ने डेमोक्रेटिकली वोट करके दे दिया, बिल्डर को दे दिया, गलत क्या किया। तो ये टाइप के सारे बातें होते हैं और लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब ट्रैप हुए हैं वो लोगों के सामने उपाय क्या, तो मैंने कहा जुडिशियल उपाय नहीं है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मतलब क्या? पॉलिटिकल मतलब लोगों को प्रभावित करना। प्रभावित करना मतलब क्या? प्रभावित करना मतलब कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रभावित करना मतलब कैसे, इसको थोड़ा विस्तार में समझा रहा हूं कि पॉलिटिकल मतलब क्या, प्रभावित करना मतलब कैसे, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए और आपको किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिल में क्या होना चाहिए, आपका स्टांस यानी आपका खड़े रहने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, खड़े रहने का मतलब एक्चुअली फिजिकली नहीं, लेकिन आप पब्लिक में दिखते हो, आप लोगों के सामने जाते हो, आपके सोसाइटी वाले आपके सामने आते हैं, तो जब आप उनसे बात करते हो तो आप किधर खड़े हो, किस जगह पर खड़े हो, ये कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं। क्या आप कर पाओगे? मेरी उम्मीद है कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग नहीं कर पाए असफल रहेंगे, जो लोग कर पाए शायद सफलता मिलेगी उन्हें, शायद, क्योंकि लाइफ में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शायद। युद्ध है, जंग है, लड़ना पड़ेगा। तो अब मैं आपको आपका मेंटालिटी क्या होना चाहिए पहले यह समझा रहा हूं। आपका मेंटालिटी क्या होना चाहिए? आप ऐसे सोचो कि आप जंगल निवासी हो, आप आदिवासी हो, आप किसी जंगल में रहते हो और कोई इंडस्ट्री वाला आ जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आता है और कहता है मैं तुम्हारे ये सारे जमीन जो है जहां पे तुम लोग रहते हो उसके ऊपर मैं कब्जा करने वाला हूं और मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया है और मैं ये पूरे जमीन से तुमको खाली कर रहा हूं, तुम लोग चलो हटो निकलो, सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया है, तुम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी बोल देगा चलो हटो निकलो, तुम लोग रिहैबिलिटेशन के लायक हो, अभी तुमको रिहैब किया जाएगा, तुम जिस तरह से रह रहे थे वैसे नहीं रह सकते हो, चलो हटो निकलो। ये बात तो सच है कि आपका बिल्डिंग को रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, यानी आपके बिल्डिंग को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी ऐसा गहरा बिल्डर आपके बिल्डिंग पे कब्जा कर लेता है तो आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे? तो आप पहली बात है कि ये सोचो कि आप आदिवासी हो, किसी जंगल प्रदेश के निवासी हो और आपके घर गांव जमीन खेत के ऊपर, बाप दादा और पुरखों के जमीन के ऊपर हमला हो रहा है, आप क्या करोगे? क्या आप कहोगे हाँ हम अदालत में जाएंगे वगैरह? नहीं, आप जंगल प्रदेश के लोग हो तो क्या करोगे? तो लड़ोगे। जंगली तरह के तरीके से लड़ोगे तो वो लोग पुलिस बुलाएंगे, आर्मी बुलाएंगे, आपको गोली मार देंगे, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों बहुत ही एक पुराने बक्से को खोलकर, बहुत ही पुराने बक्से को खोलकर मैं एक पुरानी चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस पुरानी चीज का नाम है सत्याग्रह। एक बुजुर्ग हुआ करते थे और उस बुजुर्ग का नाम था गांधी, महात्मा गांधी, और ऐसे कहा जाता है
कि महात्मा गांधी ने लोगों के दिल में एक नई चीज डाल दी, और वो नई चीज उस समय नया था लेकिन अब काफी पुराना हो चुका है, लोग भूल चुके हैं। 75 साल में लोग भूल चुके हैं। उसका नाम था सत्याग्रह, नॉन वायलेंट फाइट फॉर ट्रूथ, सच्चाई। सत्य आग्रह, सच्चाई आप बोलोगे, कैसे बोलोगे भाई? बोलोगे तो चीख चीख के ही बोलोगे, लोगों को सुनाई दे वैसे बोलोगे। गांधी बापू जो हैं, वो हड़ताल पे उतर जाते थे, वो भूख हड़ताल कर लेते थे। क्या आप कर सकते हो? आपका घर आपसे लिया जा रहा है, आप बेघर होने जा रहे हो, क्या भूख हड़ताल कर सकते हो? और भूख हड़ताल मतलब, जब आप, मैंने ऐसे ऐसे भूख हड़ताल देखे हैं, लोग शरबत की बाटली बाजू में रख के बैठते हैं, ऊपर से छत बना के बैठ जाते हैं, टेंट लगा के बैठते हैं, तंबू लगा के बैठते हैं, और बाजू में नींबू पानी की बाटली लेके बैठते हैं। नींबू पानी वगैरह करोगे ना तो कोई आपको सीरियस नहीं लेने वाला है। और मैं आपको कह सकता हूं, एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, भूख हड़ताल करना हो ना तो पानी के सिवाय कुछ भी मत लो। पानी मतलब पानी, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। अगर आप भूख हड़ताल करने को तैयार हो तो करो, ये पहला रास्ता है। अब भूख हड़ताल कहां पे किया जाना चाहिए? अब मैं भूख हड़ताल बाय इटसेल्फ क्या होगा? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। हमारे देश में लाखों भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन आप किसके दिल को छूना चाहते हो पहले ये पूछो। आप अपने खुद के सोसाइटी वालों के दिल पे छूना चाहते हो। आप चोट किधर कर रहे हो? आप सरकार को चोट नहीं कर रहे हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भूखे मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाओ आजाद मैदान में, भूखे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेंट लगा के स्लोगन बोल के बैठ जाओ, रिले फास्टिंग करो, एक नंबर का चूतिया मुंह है रिले फास्टिंग। मत करो प्लीज, मत करो, ये चूतिया रूल है, चूतिया मूव है, एक नंबर का। यानी आप मुंह पे कह रहे हो मैं चूतिया हूं इसलिए मैं रिले फास्टिंग कर रहा हूं, मत करो, ये ड्रामेबाजी लगेगा। करना है, जिसको आमरण अनशन कहते हैं वो चीज करो। कोई आपसे घर लेना चाहता है, आपके फैमिली का घर छीनना चाहता है, और उसकी जो औकात है, वो बिल्डर के जो फाइनेंशियल्स है वो क्लियर नहीं है, और उसका इरादा जो है वो क्लियर नहीं है, और ये, और आपकी मैनेजिंग कमेटी आपको बाजू में रख के आपका घर छीन लेना चाहता है। अब उनके इरादे अच्छे हो ना हो, लेकिन आपको बाजू में रख के आपके घर को लेना चाहता है। आमरण अनशन एक बनता है इस मौके पे, ऐसे मौके पे आमरण अनशन बनता है। अब आप एक करोगे, दो करोगे, पांच करोगे, 10 करोगे, वो आपके ऊपर है। एक बात मैं कह देता हूं कि जो आदमी करता है ना, वो फिर ये नहीं देखता है, दाएं बाएं नहीं देखता है कि मेरे साथ दो और लोग करेंगे या मैं अकेले करूंगा। आपके दिल में अगर बेघर होने का खौफ है, डर है, तो आप अकेले करो। और कहां पर? तो मैं कहता हूं कहां पर, आपके सोसाइटी के कॉमन प्रेमिसेस पे करो, चाहे वो पैसेज हो, कहीं भी कॉमन प्रेमिसेस, कंपाउंड में करो, खुले में बैठ के करो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, सहो, तकलीफ सहो, आप बेहोश हो जाओगे, हो जाओ, और आप मर जाओगे, मर जाओ। आपकी जिद होनी चाहिए कि मैं लोगों के दिल तक पहुंचूंगा, और आपकी बात सिंपल होनी चाहिए, आपकी बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए रिडलमेंट का रद्द कर दो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपका बात सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्चा होना चाहिए। अगर सच्चा होगा ना, आप लड़ सकते हो। तो सच्ची बात क्या है, सच्ची बात क्या है, लड़ने जैसी सच्ची बात क्या है रिडेवलपमेंट के माहौल में? तो पहली बात, ये बिल्डर कौन है?
इसके पूरे डिटेल्स मुझे नहीं, सारे सोसाइटी के पास दे दो, सोसाइटी के हर मेंबर को दे दो कि इसके आईटी रिटर्न्स क्या हैं। एक इंडिविजुअल का नहीं, उस बिल्डर जो प्रस्तावित बिल्डर है या जो बिल्डर आपके सोसाइटी का डीए करना चाहता है, वो बिल्डर कौन है, उसका मेन इंसान कौन है, वो कंपनीज कौन है, वो पार्टनर्स है तो पार्टनर्स कौन है, वो पार्टनर्स के इंडिविजुअल आईटी रिटर्न्स क्या है, वो पार्टनर्स के पार्टनरशिप कंपनीज क्या है, उनका पूरा ऑपरेशन क्या है, आपके सामने खुला किताब होना चाहिए। खुला किताब बेरोकटोक आपको देखना बनता है। अब मांगो, अब बोलो, जब तक ये बिल्डर सब कुछ सबके सामने नहीं रख देता है और फिर हम उसको देखेंगे और समझेंगे और फिर हम उसके ऊपर उसको स्टडी करेंगे, हो सकता है कि सीए के सामने रखेंगे, लेकिन अगर वो सामने रखता ही नहीं है अपना रिकॉर्ड्स, बिल्डर अपना सामान, अपना जो क्या बोलते हैं, अपने जो रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, आईटी रिटर्न्स, उसने कहां कहां काम किया है, उसने किस बिल्डिंग में आईओडी लाया है, वो कौन से एलएलपी फर्म के थ्रू आईओडी लाया था, कौन से आईओडी, कौन सा सीसी, कौन सा ओसी क्या है, ये सब डिटेल्स हमको चाहिए। ये बनता है क्योंकि मैं उनको अपना घर देने वाला हूं, हम सब लोग अपना घर देने वाले हैं, लेकिन तुम लोग जो नहीं लड़ रहे हो, तुमको पड़ी नहीं है, तुम लोग अंधविश्वास में बैठे हुए हो, लेकिन मैं मेरी फैमिली के लिए यह कर रहा हूं, मुझे पड़ी नहीं है। तुम लोग करते हो नहीं करते हो, सोचते हो नहीं सोचते हो, तुमको पड़ी है या नहीं है, तुमको पैसों की जरूरत है या नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। मैं अपनी परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये सच्चाई पहली बात है कि तुम्हारे दिल में होना चाहिए। वो दिल से चीख उठती है, वो चीख अगर उठती है, और अगर चीख नहीं उठती है, अगर तुम्हारा खून ठंडा है, अगर तुम्हारा खून तुम्हें बेघर करने के बाद भी गर्म नहीं होता है, तो तुम बेघर होने के लायक हो, तुम बेघर होना डिजर्व करते हो। अगर तुम बकरी हो तो तुमको काट के खा लिया जाएगा, ये दुनिया का नियम है, परभक्षी है दुनिया में, उनकी उनको जरूरत है मांस का, तो वो आपको खा जाएंगे, बस वही ठीक है, वही सही है। लेकिन अगर आप बकरी नहीं हो, आप भेड़ बकरी नहीं हो, आप इंसान हो, आप इंसान की तरह खड़े रह के लड़ना चाहते हो, तो मेरे कहने से नहीं, आपके अंदर से फूटना चाहिए वो चीज, और आप तब आपके दिल में से जो गर्जना निकलेगी वो सच्चाई होगा, वो सच्चाई की गर्जना होगी, उसको कहते हैं सत्य आग्रह। मेरे कहने से नहीं दोस्तों, आपके दिल से निकलना चाहिए। सच्चाई के साथ लड़ो, लड़ो पूरा जोर लगा के लड़ो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।